हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचके 24 न्यूज। बसु कल्याण में यूथ कांग्रेस के जानिब से बढ़ रहे पेट्रोल और डीजल के कीमतों को लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ एक प्रोटेस्ट किया गया। इस मौके पर इमरान खान सीएमसी मेंबर, मोहम्मद उबैदुल्ला हाशमी आईवाईसी कैंपेनिंग कोऑर्डिनेटर, डॉक्टर अफरोज जहां स्टेट जनरल सेक्रेटरी, योगेश गुत्तेदार प्रेसिडेंट यूथ, शेख शरीफ डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, सैयद मुस्तफ़ा डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी, शेख नजीब पटेल वाइस प्रेसिडेंट बीदर साउथ, एमडी आरिफ यूथ लीडर, शेख इस्माइल वाइस प्रेसिडेंट सिटी, इनके अलावा कई लोग मौजूद थे। बीजेपी सरकार के 2014 से पहले मनमोहन सरकार ने 57 रुपीज पर लीटर का पेट्रोल आया करता था और कच्चे तेल का जो दाम था वो $130 प्रति बैरल हुआ करता था। अभी कच्चे तेल का जो बैरल का प्रति बैरल का जो दाम है वो $30 के भी नीचे है। यहाँ पे हम लोगों को कच्चा तेल मिल रहा है ₹35 पर लीटर, ₹65 जो है टैक्सेस के नाम पे मोदी गवर्नमेंट हमारे से लूट रही है। आज गैस जो है ना स्मृति ईरानी कहाँ पे है, गैस का रेट जो है ₹1000 पर सिलेंडर गैस, और इलेक्ट्रिसिटी 7.65 पर यूनिट, आफ्टर 200 यूनिट 7.65 के रेट से चार्ज करें। ये गवर्नमेंट पूरी लूट मचा कर छोड़ी 2014 के बाद से। गरीब लोगों के पास खाना खाने को पैसा नहीं है। इधर कोरोना काल के अंदर ये लोग जो है फूड राशन किट्स वगैरह कुछ दिए नहीं। कुछ कुछ पार्टी के लोग तो बीजेपी हो या जेडीएस हो, एमआईएम होने दो या कोई और पार्टी होने दो, ये लोग जो है 20-25 सैनिटाइजर और मास्क वगैरह बांटे। चलो मोदी जी बोले थे मुँह पे कपड़ा बांध लो बोलकर, और अमिताभ बच्चन टीवी पे ऐड कर रहे थे कि साबुन से हाथ धो बोलकर, तो मुँह पर कपड़ा भी बांध लेंगे साहब और साबुन से भी हाथ धो लेंगे। गरीब को खाना दो साहब, भूख से क्यों मार रहे हैं आप लोग। पेट्रोल का दाम देखो, गैस का दाम देखो, इलेक्ट्रिसिटी देखो, चावल देखो, तेल देखो, सरसों का तेल ₹200 लीटर हो गए। इधर है साहब खाना जो साहब, गरीब खाना मांग रहा है इधर आपसे। ये अच्छे दिन आने वाले हैं बोले थे मोदी सरकार गवर्नमेंट में, तो कहाँ तक आपके पास सही है अच्छे दिन? अभी 2024 के जब चुनाव होंगे नहीं, उसके अंदर अब एक नारा और एक चेंज होने जो कॉलर टीम चल रहा है ना अभी कोरोना का आपके मोबाइल में वगैरह, ये कोरोना से लड़ना है वो ये बोलकर जो भी कॉलर टीम चल रहा है अभी वो चेंज हो जाएगा। हमारा क्वालिटी नहीं ना, देश का प्रधानमंत्री ईमानदार है, कृपया अफवाहों पे ध्यान ना दें।